तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक एक्सपीरियंस आज शेयर करना चाहता हूं दोस्तों आप लोगों के साथ। असल में क्या है दोस्तों कि आज मैं कोर्ट गया था। कोर्ट मतलब पुलिस कोर्ट, आप समझ रहे होंगे दोस्तों कोर्ट। तो क्या है ना दोस्तों, कोर्ट में गया तो मुझे कोर्ट और मंदिर में कोई डिफरेंट लगा नहीं। जैसे कि आप अगर मंदिर में जाते हो, शायद आप लोग कभी गए हैं कि नहीं पता, पर कालिका टेम्पल में अगर आप जाते हो तो रास्ते में आपके बहुत सारे पंडित मिलेंगे दोस्तों, जो आपके हाथ पकड़ेंगे, टान के बोलेंगे चलिए चलिए मैं पूजा करा देता हूँ। उन लोग कुछ दक्षिणा के लिए ऐसा करते हैं दोस्तों। तो हमने कोर्ट गया था पुलिस कोर्ट, तो मुझे कुछ इस तरह का ही माहौल लगा दोस्तों। मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा दोस्तों जब कोर्ट के अंदर जैसे ही मैंने कदम रखा। पुलिस कोर्ट में पहले कभी मैं गया नहीं था दोस्तों। तो देखिए, इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा यही है दोस्तों कि अगर कोर्ट आपको किसी कारण जाना पड़े, देखिए बहुत सारे काम होते हैं दोस्तों कोर्ट के, बहुत तरह के काम होते हैं कोर्ट के। जैसे कि अगर आपने शादी की हो किसी के साथ तो कोर्ट मैरिज करने के लिए तो उसका रजिस्ट्री पेपर वगैरह भी बनाया जाता है। अगर गाड़ी रिलेटेड कोई काम करना हो आपको, तब भी आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। लैंड रिलेटेड भी अगर कोई वर्क हो तब भी आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आपको लाइफ में एक ना एक दिन कोर्ट जरूर जाना पड़ेगा, कोई ना कोई काम के कारण। तो मैं जो गया था दोस्तों, देखिए अगर आप लोगों का कोई पॉलिसी हो, पॉलिसी का मतलब तो आप लोग समझ ही सकते हैं दोस्तों, जो LIC कोटक वगैरह बहुत सारे पॉलिसी होते हैं जो हर बंदा करके रखता है दोस्तों। तो क्या उसका जो बॉन्ड पेपर होता है ना दोस्तों, उसे आप बहुत संभाल के रखें। वो अगर खो जाएगा ना दोस्तों तो आपको काफ़ी परेशानी उठाना पड़ेगा, जिसके कारण कोर्ट तक भी जाना पड़ेगा दोस्तों। जिस कारण मैं गया था, मेरा पॉलिसी का बॉन्ड खो गया था दोस्तों, जिसके कारण मैं कोर्ट गया था। उस बॉन्ड को रिकवरी करने के लिए कम से कम आपका 1000 रुपीज का तो पंगा है दोस्तों, साथ में उसके सारा दिन का हरेसमेंट, सारा दिन आपको हरेसमेंट भी उठाना पड़ेगा दोस्तों। तो मेरा रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप लोगों ने कभी कोई पॉलिसी किया हो तो उस बॉन्ड को संभाल के रखें, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी चीज़ होता है दोस्तों। और उसे अगर आप संभाल के नहीं रखते हैं तो फ्यूचर में आपको आगे चल के बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं दोस्तों। तो कोर्ट जाने के बाद वहाँ पे तो बहुत सारे बंदे को मैंने देखा दोस्तों, सब इस तरह से मुझे देख रहे हैं जैसे कि मैं क्या करने आया हूँ। कोई बोल रहा है शादी करने के लिए आया हो, कोई मतलब डिफरेंट तरह कैसे कैसे अजीब अजीब से वकील मिले। हाँ, सब बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं दोस्तों, हम लोग की तरह कोई लोकल टाइप के नहीं होते हैं। मतलब सब कोट पैंट टाई वगैरह लगा के कोर्ट में घूमते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आया इतना गर्मी में भी कोर्ट में कैसे उन लोग मतलब कोट पैंट टाई कैसे पहन के रहते हैं इतना गर्म के दिनों में भी। तो देखिए दोस्तों, मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही था कि अगर लाइफ में आपको कभी कोर्ट जाने की ज़रूरत पड़े दोस्तों तो आप जाए। और बंदा को जानता हूँ दोस्तों जो कोर्ट में रहता है, जिसने आज मेरी मदद की है दोस्तों, मुझे काफ़ी खुशी हुआ उसने जब मेरी मदद की दोस्तों। देखिए वो पैसे वगैरह भी मुझसे ज़्यादा नहीं लिए, बहुत कम पैसे में मेरा काम कर दिया दोस्तों। तो उस बंदा का मैं नाम और कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा दोस्तों। रिलेटेड वर्क हो तो आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दोस्तों, कॉन्टैक्ट करके उस यहाँ से आप काम करवा सकते हैं। तो मुझे उस बंदा का सबसे अच्छी बात यही लगा दोस्तों कि उसने बहुत अपना सा व्यवहार मेरे साथ किया, जो मुझे देखकर बहुत ही अच्छा लगा। तो बस ये एक छोटा सा वीडियो था दोस्तों कोर्ट रिलेटेड मैं लाया था, सोचा था कि चलो ये एक्सपीरियंस आप लोगों के सामने शेयर करूं। मैं कोर्ट पहले कभी गया नहीं था दोस्तों, पहली बार कोर्ट गया, बड़ा अजीब सा लगा था मुझे दोस्तों। तो बस ये है वीडियो दोस्तों, अगर पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, नहीं तो कोई बात नहीं दोस्तों।